ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोप, दैट आर द टाइप्स ऑफ वाटर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. हाई स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. यस, न्यूट्रल पीएच. और क्या था? न्यूट्रल पीएच. इट इज एक्टिंग एज न्यूट्रल पीएच के वजह से, दैट इज एक्टिंग एज अ थर्मल बफर. ओके, लेकिन यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में स्टडी की थी, दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड फाइनली इट इज अ हाई हीट ऑफ व्हाट. कुछ याद आ रहा है? स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट वी आर डन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वी आर डन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन. दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में स्टडी की थी. बिकॉज ऑफ दिस थ्री प्रॉपर्टीज वाटर इज एक्टिंग एज थर्मल बफर. थर्मल बफर. अभी आप लोग जो बोले ना पीएच एंड ऑल वाला फंडा, वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमारे थर्मल बफर में. गॉट इट? यस. सो वाटर थर्मल बफर क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस थ्री प्रॉपर्टीज, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, आई होप ये सबको याद है कि क्या होता है हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑल दिस स्टफ. सबको क्लियर है ये, राइट? यस. ओके, इसके बाद हमने रूट के कुछ रीजंस किए थे. और कितने रीजंस होते हैं रूट के? रूट कैप, मेरिस्टमैटिक रीजन, जोन ऑफ एलोंगेशन, रूट हेयर, मैच्युरेशन जोन. रूट कैप का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन. रूट कैप के बाद में आपका कौन सा रीजन आता है? मेरिस्टमैटिक. मेरिस्टमैटिक. यहाँ पे सेल्स कौन से स्टेट में होते हैं? डिवाइडिंग स्टेज. ओके, मेरिस्टमैटिक के बाद विच रीजन? जोन ऑफ एलोंगेशन. जोन ऑफ एलोंगेशन. जोन ऑफ इलोंगेशन. यहाँ पे द स्टेट्स आर इंक्रीज इन लेंथ, राइट? यस. यस. आफ्टर दिस विच रीजन? रूट हेयर. रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एग्जैक्टली. आफ्टर रूट हेयर्स? मैच्युरेशन जोन. मैच्युरेशन जोन. दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट? यस. ओके, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट, हियर वी आर डन. देन हमने कुछ तो परमेबिलिटी स्टडी किया था, राइट? यस. कितने टाइप के होते हैं? कंप्लीटली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल. थ्री टाइप्स, राइट? इसमें से आपका सेल वॉल कौन सा है? सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल. एग्जैक्टली, योर सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल. सेमी परमिएबल में क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में सेम आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या डिफरेंस है बच्चा सिलेक्टिवली और सेमी परमिएबल में? सेमी परमिएबल में सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, और सेलेक्टिवली में सेलेक्टिव जाते हैं. ओके, सेमी परमिएबल इज लाइक, जैसे आपका जो क्वांटिटी, उसमें से जितने स्पेस ऑक्यूपाई है, स्टार्टिंग के जितने हैं, सारे के सारे चले जाएंगे, दैट इज सेमी परमिएबल, राइट? सिलेक्टिव में, जहाँ पे आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो चीजें सिलेक्ट कर रहा है और सिलेक्टिव लोगों को ही अलाउ कर रहा है. क्लियर है? यस. यस. ओके, इसके बाद हमने कुछ तो टाइप्स ऑफ वाटर स्टडी किया था. यस. यस. कितने टाइप्स के वाटर होते हैं? फोर. कौन से? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, कंबाइंड वाटर. कंबाइंड वाटर. ओके, कंबाइंड. इसमें से रूट्स के लिए कौन सा अवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन? कैपिलरी वाटर. ये तीनों नहीं होगा? नो नो नो. ओके, क्लियर है ये सब सबको? यस. ठीक है, इसके बाद हमने बच्चा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखा था. तो विद द हेल्प ऑफ रूट्स हमने वहाँ पे तीन प्रोसेस स्टडी किए थे. सबसे पहले क्या होता है अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है? फर्स्ट प्रोसेस इज इम्बिबिशन. यस, इम्बिबिशन. नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन. नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस. ओके, इम्बिबिशन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन होता है वाटर. एड्सॉर्प्शन होता है, स्वेलिंग अप होता है. एग्जैक्टली.
यहाँ पे हमारा एडसॉर्प्शन हो रहा है. क्लियर है? डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन और पोटेंशियल टू लो. आर यू श्योर? यस. लो टू हाई, हाई टू लो. हाई टू लो, हाई टू लो. कंफ्यूज हो रहे हो बच्चा लो. डिफ्यूजन में इट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लो टू हाई. लो टू लो पोटेंशियल टू हाई. ओके ओके. क्लियर है अंकित? मैम मैं बोला था. अक्षय राइट? नो. देन अमित? यस. ए ए ए. ओके समझ में आया? सो डिफ्यूजन में इट इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस में आपका उल्टा होता है, इट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन. क्लियर है इतना सबको? यस यस. यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा लो? नो मैम. नो. ओके. इम्बिबिशन में भी अभी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में दो चीजें हमने स्टडी की थी, एक है बेट एक है बेंट. इसमें प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. बेट मतलब कौन बच्चा? होने वाला. एब्जॉर्ब होने वाला. Yes. याद रखना इतना. बेंट मतलब एब्जॉर्ब करने वाला. सम टाइम दिस हिंदी वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. ये तो अगर आपको याद रहेगा ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे. समझा? बेट मतलब एब्जॉर्ब करने वाला. बेंट मतलब सॉरी बेट मतलब एड्सॉर्ब होने वाला. जो चीजें एड्सॉर्ब हो रही, जैसे आप लिक्विड या फिर जो भी चीजें आप एड्सॉर्ब कर रहे हो. बेंट मतलब क्या? जो कर रहा है एड्सॉर्प्शन. इज इट क्लियर? यस यस. ओके. इसके बाद डिफ्यूजन में हमने कुछ प्रेशर्स पढ़े थे. डीपीडी क्या होता है बच्चा लो? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट. हाँ, उसमें क्या होता है? व्हाट इज दैट? Difference in diffusion pressure of pure solvent and solvent in solution. Exactly. So DPD हमारा क्या हो गया? It is the difference between the pure solvent and the solvent of the solution. अच्छा मुझे ये बताओ अभी आप लोग दोनों में से कौन से solvent का potential ज्यादा होगा, pure solvent का या फिर जो solution का solvent है उसका? Pure solvent का. Pure solvent. Why? So zero रहता है. ओके ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस. ऑस्मोसिस में हमने कुछ तो दो पढ़े थे, एंड ऑस्मोसिस एंड एग्ज ऑस्मोसिस. राइट? एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? वॉटर एंटर करता है इनटू द सेल. एग्ज ऑस्मोसिस में क्या होगा? आउटसाइड द सेल वॉटर रिलीज होगा बाहर. ठीक है. फिर हमने तीन टाइप के सोल्यूशन स्टडी किए थे अगर आपको याद होगा तो. हाइपो में क्या होगा? वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट रहेगा और लो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा हाइपोटोनिक में. ओके. हाइपर में क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और वीक सॉल्वेंट एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके. अब यहाँ पे अगर सेल्स के टर्म्स में हम बात करें तो हाइपोटोनिक है तो मतलब वाटर अंदर जाएगा सेल के या बाहर जाएगा? अंदर जाएगा. अंदर जाएगा. पक्का? इस सेल के अंदर हाइपोटोनिक है तो अंदर जाएगा. हमने कुछ तो डायग्राम्स करके स्टडी किया था. yes. याद है? वाटर का हाइपोटोनिक में सेल के क्या होने वाला? वाटर अंदर. अंदर. यस. पक्का? यस यस. हाइपर में बाहर. बाहर निकलेगा. आइसो में कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. मोमेंट इक्वल टू है इक्विलिब्रियम. ओके. यस. अब इसका हाइपो में अभी हमने स्टडी किया कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बराबर. अब यहाँ पे हाइपो है तो मतलब आपका सोल्यूशन कैसा है? वीक है. यस और नो? यस. स्ट्रॉन्ग है? वीक है. वीक है. वीक वीक है. आर यू श्योर? यस यस. ओके. तो अब मुझे एक चीज बताओ, सेल के अंदर का अगर आपका सोल्यूशन बाहर का वीक है, सेल का अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ. तो अभी तो हमने स्टडी किया कि मूवमेंट फिर कहाँ से कहाँ होगा हाइपो में, अंदर होगा या बाहर आएगा? बाहर. बाहर आएगा. बाहर.
अभी आप लोग बोले अंदर आएगा, अभी बोल रहे बाहर आएगा, क्या चल रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मिस अगर सेल के अंदर है तो वो हाइपोटोनिक है तो वो अंदर जाएगा, सेल के बाहर हाइपोटोनिक है तो वो अंदर जाएगा। अरे बच्चा, पर जो अभी हम ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक जो भी कर रहे हैं वो किसी चीज के रेफरेंस पे कर रहे हैं ना, अगर कहाँ से आ गया? अभी आप ही लोग तो बताया ना ये चीज, अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा। नोट्स लिखियो मेरे लास्ट लेक्चर का, निकालो फटाफट, चेक करो और बताओ। मिला? अब यहाँ देखो, हाइपोटोनिक अभी आपने बताया कि बाहर का कंसोलिडेशन कैसा है, इट इज वीक, राइट? मतलब हम किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं, आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है? वीक है हाइपोटोनिक में, एक्सटर्नल वीक है, तो इंटरनल क्या हुआ? हाई हुआ। तो यहाँ पे ये हम लोग इन रेफरेंस टू साइटोप्लाज्म आपका क्या होगा, इट इज हाई इन कंसेंट्रेशन। समझ में आया? यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने जो आपको बोला, आपको वहां पे मुझे आंसर देना चाहिए था कि जो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता है, ऑस्मोसिस होता है। समझ में आया? तो ऑस्मोसिस में अभी हमने क्या स्टडी किया, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, राइट? यस। डिफ्यूजन में फ्रॉम हाई टू लो था, बट यहाँ पे आपका एंड ऑस्मोसिस और एग्जोस्मोसिस हो रहा है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन नहीं होता है, ऑस्मोसिस होता है। एंड ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। तो हाइपो में अगर आपका सॉल्यूशन वीक है तो साइटोप्लाज्म स्ट्रांग हुआ, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला हुआ, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, इट इज एंड ऑस्मोसिस, आपका मूवमेंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू इन साइड द सेल। इज इट क्लियर? यस। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस। और जब मैंने तभी इसीलिए डिफ्यूजन बोला तो किसी ने भी करेक्ट नहीं किया कि हाँ मैम यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस होगा। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में? थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो, ठीक है? मैम मुझे लगा कि ऑस्मोसिस का जब आपने पूछा था ना, तो फिर आपने पूछा था टाइप्स, तो मुझे लगा कि ऑस्मोसिस के टाइप्स पूछ रहे हो। हाँ, सॉल्यूशन ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना, ये अभी तो हम रिविजन कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अभी जैसे शारन ने बोला कि अगर, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म ये हुआ, बट वो तो आपको कंफ्यूजन आनी ही चाहिए, बिकॉज ये तीनों हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज, इट इज इन रेफरेंस टू सराउंडिंग वाला फ्लूइड, बराबर? अभी आप कंफ्यूजन क्यों हुआ, पहले आप लोगों ने बोला कि अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, करेक्ट था वो, बट जैसे ही रीजन पूछा और मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिफ्यूजन का कंसेप्ट डाल दिया, आप कंफ्यूज हो गए, यस और नो? यस। तो ये चीज क्लियर रखनी है आपको कि ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो वहां पे डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस होने वाला है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऑस्मोसिस दैट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तो हाइपो में सॉल्यूशन वीक है, कंसेंट्रेशन लो है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, राइट? तो साइटोप्लाज्म में कंसेंट्रेशन क्या हुआ, हाई हुआ, तो वॉटर का मूवमेंट ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, फ्रॉम आउटसाइड इन टू द सेल। इज इट क्लियर? यस यस मैम। ओके, अब एक चीज बताओ, अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो यहाँ पे सेल स्वेल होगा या श्रिंक होगा? स्वेल होगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर अंदर जा रहा है सेल के अंदर तो सेल इज गोइंग टू स्वेल। समझ में आया? हाइपरटोनिक में क्या होगा बच्चा लोग, मूवमेंट ऑफ वाटर इट इज फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। यस, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। अभी क्लियर है सबको? Yes. अब यहाँ पे अगर सेल से बाहर पानी चला गया तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक, करेक्ट? नाउ आइसोटोनिक, अब आइसोटोनिक में क्या होता है हमारा, सॉरी, आइसोटोनिक में बच्चा लोग क्या हो रहा है, इट इज इक्वल, राइट? इक्विलिब्रियम में आपका मेंटेन है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, सो हियर योर सेल्स आर गोइंग टू बी फ्लैसिड। फ्लैसिड समझ में आया? फ्लैसिड मतलब छोटा होता है, श्रिंक होते हैं ना? नो नो, सुनो मेरी बात, इट इज लाइक कि फ्लैसिड का आपका कैसा होता है, एग्जोस्मोसिस में जब वाटर बाहर एक्सचेंज हो रहा है, निकल रहा है, फर्क समझो,
यहाँ पे वाटर क्या हुआ, कंसेंट्रेशन जब आपने इसको कंपेयर किया बाहर के लिक्विड से, तो यहाँ पे वाटर अंदर मूवमेंट हुआ तो आपका सेल स्वेल हुआ, करेक्ट। यहाँ पे जब आपने कंपैरिजन किया तो इट इज मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है, तो सेल क्या हुआ, श्रिंक हुआ। फ्लैसिड इज लाइक जहां पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मतलब आपका जो भी एक्सचेंज होने वाला है ना, आपका जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है, इट बैलेंसेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, नहीं समझ में आ रहा है? मैम आपने बताया था कि लास्ट टाइम एक्सोस्मोसिस में श्रिंक, हाँ मैंने बताया, यस 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 मैंने बताया था, मुझे याद है, यस बच्चा मुझे याद है, वही मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि इट इज लाइक कि फ्लैसिड में देखो श्रिंक इज लाइक टोटली श्रिंक, फ्लैसिड में एकदम चपटा नहीं होता है, इट इज लाइक कैसे मैं अभी आपको समझाऊं, ये एक नॉर्मल सेल है, करेक्ट। तो yes. यहाँ पे जब हमने इसको हाइपोमीडियम में रखा तो इट बिकम्स लाइक दिस, स्वेलिंग दिखा, yes. हाइपर में रखा तो इट इज लाइक दिस, फर्क दिखा, yes. Yes. अब जब आइसो में रखेंगे तो ओरिजिनल साइज याद रखना, सेल का ये ओरिजिनल साइज है, जब आपने इसको आइसो में रखा तो इट इज लाइक दिस, फर्क दिख रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में रखने के बाद एक्सचेंज हो रहा है, बट इट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई वो बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। सो दिस इज द फ्लैसिड, लेकिन अगर आप ये दोनों से कंपेयर करते हो इसको तो इट इज मोर सिमिलर टू फर्स्ट वाला केस, ओरिजिनल वन, यस और नो? मींस हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस होता है ना, हाइपरटोनिक में, यस यस, हाँ क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है ना, एक्सोस्मोसिस हुआ, उसके डेफिनेशन में लिखा है कि इट कॉसेस फ्लैसिडिटी ऑफ सेल, यस मैम, यस मैंने ही आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, मुझे याद है, बट यहाँ पे अभी कंसेप्ट समझ के लो, मैं बताती हूँ आपको बाद में। देखो एक्सोस्मोसिस फ्लैसिड में दो तरीके होते हैं, ठीक है, वन इज अभी मैं आपको बताऊं, जैसे सीबीएसई का अगर आप नोट्स रिफर करोगे ना, तो हियर यू कैन सी कि आपका जो आइसोटोनिक है ना वहां पे फ्लैसिड लिखा हुआ है, क्योंकि आइसोटोनिक में क्या होता है, बैलेंस हो रहा है दोनों का साइटोप्लाज्म, राइट? यस। देखो मेरे को ये बताओ आप कि एक्सो ऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस में फर्क क्या है, एक में बाहर जाता है। एग्जैक्टली, एक्सोस्मोसिस मतलब सिर्फ इतना होता है कि पानी बाहर जा रहा है, एंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, पानी अंदर आ रहा है, समझ में? क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है कि वाटर का क्वांटिटी कितना बाहर जाएगा, अब वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कि सेल कितना फ्लैसिड होगा, यस और नो? यस। अगर मैं पूरा पानी निकाल दू तो स्लेड जो आपका सेल है वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली हाइपरटोनिक का कंडीशन हो जाएगा, यस और नो? यस। अगर सेल के अंदर थोड़ा सा सोचो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है आप अगर पूरे तरीके से एक्सोस्मोसिस करा देते हो तो सेल तो अल्टीमेटली आपका श्रिंक कंडीशन में आ जाएगा ना, तो उसको हम फ्लैसिड क्यों बोलेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे आपका एक्सोस्मोसिस होता है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि फर्क दिख रहा है दोनों में, मे बी आपको उतना विजिबल नहीं होगा, इट इज लाइक फर्क है दोनों में, बट बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे एक्सोस्मोसिस नहीं हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, बट फर्क दिख रहा है, इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि सेल आपका टोटली श्रिंक हो जाए, गेटिंग माय पॉइंट? इससे ये वाला सेल थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, वाटर थोड़ा सा बाहर निकला है, समझ में आया? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर हो रहा है बच्चा लोग, बट इट इज इक्वल, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, समझ में आया? दैट्स व्हाई सेल्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इन आइसोटोनिक कंडीशन द सेल्स बिकम फ्लैसिड, एक्सोस्मोसिस भी हो रहा है, एंडोस्मोसिस भी हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, बट इट इज इन इक्विलिब्रियम, दोनों चीजें इक्वल है तो अल्टीमेटली सेल के साइज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? No.
यस नो नो मैम नो मैम ओके सर्जर प्रेशर वॉल प्रेशर सबको याद है क्या होता है What do you mean by turgor pressure? Miss turgor cells, cell membrane के ऊपर जो pressure लगाते हैं उस पर turgor. Okay. और कुछ? Turgor मतलब क्या होता है? जब आपका cell absorb कर रहा है liquid, right? Absorption के बाद the cells become turgid, turgid हो गया वो पूरे तरीके से एकदम stretch हो गया. तो जो प्रेशर अप्लाई होगा दैट इज नोन एज टर्जर प्रेशर राइट टर्जर प्रेशर इज आल्सो नोन एज वॉल प्रेशर यस यस और नो डायरेक्शन कैसी है दोनों की ऑपोजिट 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 एग्जैक्टली ये चीज याद रखना टर्जर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर बट अपोजिट इन डायरेक्शन ओके यस फिर हमने कुछ डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी प्लस टीपी ये सब किया था याद आ रहा है कुछ Yes. 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 Okay. Now we are going to see the next diffusion that is known as facilitated diffusion. इसके पहले सुना है कभी नाम पढ़ा है बच्चा लो? Diffusion मतलब हमको पता है, right? Yes. Yes. अभी facilitated है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा Diffusion में कुछ तो और additional चीजें होंगी Yes or no? Yes. ओके अब मुझे ये चीज बताओ बच्चा लोग एब्जॉर्प्शन सबको पता है एब्जॉर्प्शन के दो टाइप्स पता है क्या एक्टिव एंड पैसिव यस यस ओके एक्टिव में क्या होता है एक्टिव में एटीपी यूज होता है और पैसिव में नहीं होता है एनर्जी की जरूरत नहीं होती एग्जैक्टली वेरी गुड तो सबको क्लियर है ये जिसको ऐसे भी नहीं पता होगा वो इम्यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं जहाँ पे हमने एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी किया था राइट एक्टिव में एनर्जी लगा के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी पैसिव में रेडीमेड मिल रहा था यस और नो यस ओके तो हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बच्चा लोग यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है अब पैसिव एब्जॉर्प्शन है मतलब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा क्या नो नहीं Then what is the difference? तो मैं normal diffusion से इसको facilitated diffusion क्यों बोलूं? Normal diffusion में भी हमको energy का जरूरत नहीं पड़ता, right? तो इसको इतना special नाम देने की क्या जरूरत है? Any idea? No idea? Facilitated diffusion is a passive absorption with the help of a carrier. समझ में आया? Carrier की जरूरत यहाँ पे पड़ती है to carry out this diffusion. That's why this is known as facilitated diffusion. Clear है बच्चा लोग? Yes. Yes. Okay. अब जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ hydrophilic, hydrophobic solute. याद आ रहा जब हमने lipid bilayer किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यस तो वहां पे हमने जो स्टडी किया था हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है वाटर लविंग सॉल्यूट यस और नो जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना आसानी से पास नहीं होते यहाँ पे जैसे अभी हमने लिपिड बाय मेम्ब्रेन किया था ठीक है यहाँ से मुझे चैनल्स प्रेजेंट है यहाँ पे करेक्ट चैनल से इधर से मॉलिक्यूल्स इस तरह फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लाना था तो जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हाइड्रोफिलिक उनको बहुत डिफिकल्ट होता है टू पास यहाँ से पास ऑन करना समझ में आया तो ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जो डिफिकल्ट जो वाटर लविंग होते हैं उनके लिए कैरियर का यूज होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस डिफ्यूजन दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उनको इस तरफ से इस तरफ विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ये चैनल्स के थ्रू पास ऑन किया जा रहा है इज इट क्लियर यस समझ में आया सबको अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी सारी चीजें हम कर चुके दिस आर द पोरिन्स राइट याद आ रहा है कुछ लिपिड बायलेयर में चैनल्स जो स्टडी किया था हमने वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए चैनल्स काम आते देन इट इज कॉल्ड एज एक्वा पोरिन्स कुछ याद आ रहा है एक्वा मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर Porins मतलब पोर्स और चैनल्स
लास्ट टाइम किया था ना हमने लिपिड बाय लेयर करते वक्त, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके वाटर लविंग है वो आसानी से नॉर्मल डिफ्यूजन से पास नहीं होते, तो उसके लिए हमको कैरियर का जरूरत पड़ रहा है ताकि उसको फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इनसाइड की तरफ से पुश किया जाए. ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इसलिए इसमें जो चैनल्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्वापोरिन. इज इट क्लियर? यस. तो एक्वापोरिन अल्टीमेटली क्या है? Channels which are allowing the water molecules to pass from outside to inside the cell. Okay? अब ये carrier भी क्या है? They are the aquaproteins. ये carriers क्या है? They are the aquaproteins. Proteins है made up of protein. They are carrying the water molecules. That's why they are called as aquaprotein. Okay? तो ये क्या करेंगे? Help करेंगे substances को move करने के लिए without क्या नहीं है यहाँ पे? विदाउट एटीपी मतलब क्या? विदाउट एनर्जी. बिना एनर्जी यूज किए यहाँ पे हम हमारा काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर. दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? एक बार वापस से कर लेते हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अल्टीमेटली यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है. पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है जहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हो रही है. सो वॉट इज द डिफरेंस? ये डिफ्यूजन से अलग क्यों? इसको अलग से नाम क्यों दिया? बिकॉज इट इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ कैरियर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. बिना एनर्जी उसके हम वाटर जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स वो जल्दी पास ऑन नहीं होते. दैट्स व्हाई बाय यूजिंग अ प्रोटीन मेड अप ऑफ कैरियर दैट इज नोन एज एक्वा प्रोटीन उसके हेल्प से हम इसको चैनल्स के थ्रू पास करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोरिन. क्लियर है बच्चे लोग इतना? यस. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो मैम. ओके चलो अब एक काम करो फटाफट दो मिनट दे रही हूँ रिवाइज करो. ये सबको इतना समझ में आया? अभी मैं पूछूंगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है. अभी बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वेयर एक्सपेंडिचर नॉट रिक्वायर्ड और वहां पे कैरियर प्रोटींस का जरूरत होता है. ओके वेरी गुड. So basically your facilitated diffusion is nothing but it is the passive absorption with the help of carrier without using the ATP. Correct? Yes. सबको क्लियर है? अभी कौन से मॉलिक्यूल्स का होगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, राइट? जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज वो आसानी से पास ऑन नहीं होते जिसके लिए हमको अलग से चैनल्स लगता है. दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोरिन. ओके ठीक है. नेक्स्ट वन इज वाटर पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब क्या होता है बच्चा लोग? चेंज. दिस इज नोन एज साई, राइट? स्टोर्ड एनर्जी. पोटेंशियल वर्ड कहीं पे भी यूज आया इट मीन्स वी आर टॉकिंग समथिंग इन रेफरेंस टू कैपेसिटी, राइट? इसमें इतना पोटेंशियल है. स्टोर्ड एनर्जी, वेरी गुड. सो स्टोर्ड एनर्जी इज नथिंग बट द capacity, you can say the ability to perform a particular work, correct? जितनी stored energy होगी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा work perform कर सकते हो, yes or no? तो जितना ज्यादा potential जितना ज्यादा stored energy उतना ज्यादा work, yes or no? समझ में आ रहा है सबको? Okay. Now we know according to thermodynamics हर एक component में कुछ ना कुछ energy होती है to perform a particular work. आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नो मैम, आ रही है मैम. आप लोग इतने शांत हो गए. ओके तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हमने ये स्टडी किया है कि हर एक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ फ्री एनर्जी होती, फ्री सिस्टम,
याद है? अच्छा पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों का। हर एक मॉलिक्यूल्स में ना बच्चा लोग कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती ही है टू परफॉर्म अ सम वर्क। ओके, सो दिस एनर्जी इज नथिंग बट इट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड होती है बॉडी में। जब वो कन्वर्ट होगी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी वर्क करते समय, सो दैट इज कॉल्ड एज दिस इज द फ्री एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दैट वॉज स्टोर्ड इन द बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क। इतना समझ में आया सबको पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज नथिंग बट द स्टोर्ड एनर्जी, इतना समझ लो, मतलब फ्री स्टोर्ड एनर्जी जो आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको केमिकल पोटेंशियल भी बोला जाता है। ओके, सो केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आ गया। सो नाउ हियर वॉटर पोटेंशियल, अब वॉटर पोटेंशियल मतलब क्या होगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वॉटर मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर, जो अगर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा मतलब कुछ काम हो रहा है, यस और नो? यस। जब काम हो रहा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रहा है ना। अगर हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस किसी की भी बात कर लेते, चलो डिफ्यूजन की ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पर मूवमेंट तो हो रहा है ना फ्रॉम हाई टू लो, तो पहले वॉटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे तो एनर्जी वो स्टोर्ड, दैट वॉज द पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड थी जब वो एक जगह पे स्टेबल थे। ओके, अब जैसे ही उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, योर पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल्स गेट मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। नाउ वॉटर पोटेंशियल का आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। ओके, अब यहाँ पे आपका जो वाटर का पोटेंशियल है ना बच्चा लोग, जैसे हमने सॉल्वेंट का पढ़ा था, इट इज ऑलवेज जीरो। जो आपका प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। अभी सॉल्वेंट का पूछा था ना हमने कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा पोटेंशियल या इम्प्योर सॉल्वेंट का, बताओ किसका ज्यादा होगा पोटेंशियल, प्योर सॉल्वेंट या इम्प्योर सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट। व्हाई? इम्प्योरिटीज एज अ बैरियर एक्टिंग करेगी ना उसपे। एग्जैक्टली, प्योर सॉल्वेंट में जब आप कोई भी इम्प्योरिटी मतलब कोई भी चीज वहां पे मिक्स कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वहां पे आपका क्या रिड्यूस हो रहा है, वाटर पोटेंशियल। नींबू पानी का याद है एग्जांपल हमने कंसीडर किया था बिफोर मेकिंग दैट नींबू पानी लेमन वाटर, आपका जो प्योर वाटर है इट विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल। सो प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या है, इट इज मैक्सिमम, दैट इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी सल्यूट डालते हैं, कुछ भी सॉल्वेंट डालते हैं, तो अल्टीमेटली आपका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। समझ में आया? सेम जो हमने सॉल्वेंट में लॉजिक लगाया था, सेम यहाँ पे भी है। प्योर वाटर का भी पोटेंशियल ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का भी ज्यादा होता है, राइट? इसमें अगर हम कुछ भी मिक्सिंग अप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया? यस। ओके, अब यहाँ पे आपका जो वाटर पोटेंशियल प्रोटोप्लाज्म का ना बच्चा लोग, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, सेल के अंदर वाला लिक्विड, राइट? तो वो कैसा होता है, इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आपका जो डीपीडी होता है। डीपीडी मतलब क्या, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, राइट? जो डिफरेंस हो रहा है सेल्स के मूवमेंट का, जो डिफरेंस है, सो योर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी, बट अगेन डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। वाई? थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, ये सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब आपका प्रेजेंट है, करेक्ट? तो ये प्रेशर कौन से साइड लगाएगा, बाहर की साइड, यस और नो? और आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर, ये क्या करेगा, ये प्रेशर कहाँ अप्लाई करेगा, अंदर की तरफ। ओके, तो डायरेक्शन कैसा हुआ, इट इज अपोजिट। यहाँ पे आपका जो वाटर पोटेंशियल है प्रोटोप्लाज्म का, इट इज इक्वल टू योर डीपीडी, बट डायरेक्शन इज अगेन
अपोजिट, समझ में आया? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। कुछ बोल रहे हो अक्षय? क्लियर है इतना सबको? यहां तक किसी को कुछ डाउट बच्चा लो? यस नो, कुछ डाउट है किसी को यहां तक? नो मैम। वाटर पोटेंशियल क्या होता है सबको समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब वर्क परफॉर्म करने की बारी आएगी तो कितना वर्क, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वी आर डन विद दैट। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, जो कैपेसिटी होती है, वो हमेशा प्योर वाटर की सबसे ज्यादा होती है। अगर वैल्यू किसी ने पूछा तो इट इज जीरो, समझ में आया? जीरो से ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें अगर तुम वाटर में कुछ और मिक्सअप करते जाओगे तो ये वैल्यू जीरो से कम मतलब कैसे जाएगी? नेगेटिव। अगर जीरो से कम है और मुझे पता है कि प्योर वाटर का सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें कुछ मिक्स कर रही हूँ तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी ना, यस और नो? यस मैम। क्लियर है सबको? ओके, सो प्योर वाटर हैज ऑलवेज द मैक्सिमम पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, दैट इज जीरो। नाउ योर आपका जो केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल है प्रोटोप्लाज्म का, इट इज इक्वल्स टू द डीपीडी, बट डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। मतलब आपका जो डीपीडी लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है प्रेशर का, दोनों भी सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है बच्चा लोग? यस। अब यहाँ से हमने स्टडी किया कि आपका डीपीडी इज इक्वल टू नथिंग बट द वॉटर पोटेंशियल, करेक्ट? तो हम डीपीडी को दूसरा नाम वॉटर पोटेंशियल दे सकते हैं? दे सकते हैं। ओके, अब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो अगेन अगर हम इसको पहले एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यस और नो? यस। जो टर्जर प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्जर पोटेंशियल, क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल इज नथिंग बट द फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी जो वर्क परफॉर्म करने से पहले बॉडी में स्टोर है, समझ में आया? यहां तक किसी को कुछ डाउट? यस नो? नो मैम। ओके, अब यहाँ पे टर्जर प्रेशर का वैल्यू जो है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, व्हाई? हमेशा ये पॉजिटिव ही क्यों होगा, नेगेटिव क्यों नहीं जा सकता टर्जर प्रेशर? सोचो थोड़ा, मतलब वॉल हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर जो है अंदर लगा रहा है, करेक्ट? अब यहाँ पे सेल है, सोचो मैंने इसको किसी मीडियम में रखा, हाइपो में रखा तो पानी बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? अंदर आ रहा है। हाइपर में रखा तो पानी बाहर जा रहा है, राइट? लेकिन हर जगह सेल का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ टर्जर प्रेशर हमेशा डेवलप है। अदरवाइज अगर टर्जर प्रेशर आपका नेगेटिव गया, मतलब सेल वॉल क्या कर रहा है, कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा, नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसा होगा तो आपका सेल बस्ट हो जाएगा, समझ में आया? अब कोई भी चीज है सेल के अंदर कंटेंट है बहुत सारा, जब तक ये बाउंड्री प्रेजेंट है तब तक चीजें अंदर है, यस और नो? जैसी आपकी बाउंड्री वीक हुई, ऑटोमेटिकली सारे के सारे कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे ना? यस। सो दैट्स व्हाई टर्जर प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, बिकॉज अगर वो नेगेटिव वॉल्यूम में गया तो बाउंड्री यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो चीजें कंटेंट्स क्या आ रही है, बाहर हो रही, सेल्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, तो सेल्स आर बस्टिंग आउट और वो डाई हो जाएंगे, मतलब डेथ हो जाएगी उनकी, समझ में आया? ओके, नाउ अभी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो अभी हमने स्टडी किया, वहां पे आपका वाटर का फ्लो कैसा है बच्चा लोग? इट इज फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है? लेस नेगेटिव टू मोर लेस नेगेटिव क्या होता है बच्चा? मोर नेगेटिव एक है
लेस नेगेटिव, फ्रॉम लेस नेगेटिव टू कहाँ मूव हो रहा है? मोर नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाई टू लो. एग्जैक्टली, इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दोनों भी नेगेटिव ही है, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि -3 ज्यादा नेगेटिव है या -5? -5. सो इट इज लाइक इन दिस वे, समझा? लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव. सो द मूवमेंट ऑफ वॉटर इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. ओके, यहाँ पे यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा? सेम डिफरेंस निकालेंगे हम वाटर पोटेंशियल का. जो एडजेसेंट सेल्स, मतलब सेल्स आपके कैसे हैं, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. एडजेसेंट समझते हो? अगल बगल वाला. ओके, तो सारे सेल्स जो एडजेसेंट है इनका डिफरेंस निकलेगा, फिर उस हिसाब से मूवमेंट होगी, बिकॉज इट इज फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव. करेक्ट? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा लोग? यस. अब यहाँ पे प्लास्मोडेस्माटा करके, वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में स्टडी करेंगे जब हम पाथवे पढ़ेंगे. इतना क्लियर है ना सबको? नाउ वी आर गोइंग टू सी द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन. सॉरी, नॉर्मल वाटर एब्जॉर्प्शन कंसिडर करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों टाइप का एब्जॉर्प्शन कम्प्लीट कर लिया ना. यस. तो सबसे पहले अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कैपिलरी इज रिक्वायर्ड, यस और नो? कैपिलरी क्या होता है सबको पता है या किसी को कुछ डाउट है अभी भी वहां पे? अभी हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ वाटर में कि कौन सा वाटर सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब होता है, राइट? तो इसका रिक्वायरमेंट तो होगा ही, क्योंकि बस यही एक वाटर है जो एब्जॉर्ब होगा. और कैपिलरी वाटर पता है ना, वो ब्लड वाला एग्जाम्पल, कैपिलरी ट्यूब ऑटोमेटिकली सक होगा. क्लियर है? Yes. Okay. दूसरा फैक्टर, आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगा बच्चा लोग? 20-30 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है? 25 डिग्री. ओके, 20-25 डिग्री होता है, बट इन एक्सट्रीम. अभी जैसे क्लाइमेट भी चेंज हो रहे हैं तो डिग्री की वैल्यूज भी चेंज होती हैं, यस और नो? नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज 25, विद चेंजिंग क्लाइमेट आपका टेम्परेचर भी थोड़ा सा चेंज होता है. तो यहाँ पे एक रेंज है, 25 इज अवर रूम टेम्परेचर. तो अगर -5 भी गया तो भी आपका प्रॉपर ग्रोथ दिखाएगा, और +5 गया तो भी प्रॉपर ग्रोथ दिखाएगा. तो इट इज अ रेंज जहाँ पे आपका प्रॉपर आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखा रहा है, फ्रॉम 20-30 डिग्री. इज इट क्लियर? यस. यस. ओके. अब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अगर आपका जो सॉइल है उसमें जो वाटर है उसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. Yes. अब यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाया है, ठीक है? अब वहां पे पॉट में मैंने बहुत सारा सॉइल डाल दिया और सॉइल में कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई, तो कम ये सारे के सारे मिनरल्स ही कंटिन्यू एब्जॉर्ब होंगे ना, तो वाटर एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली मेरा कम हो जाएगा. यस. यस. सो इट इज लाइक हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिजल्ट्स इनटू अ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस और नो? अगर आपका सॉलिड का कंसंट्रेशन हाई है सॉइल में बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ योर वाटर. इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. समझ में आया बच्चा लो? यस मैम. ओके. अब पुअरली एरेटेड सॉइल शोज पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या? एरेटेड मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट? तो अभी आपके सॉइल में अगर एयर की डिफिशियंसी होगी, एयर का कंटेंट बहुत ही कम होगा, तो भी आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. समझ में आया? अगर पुअर एयर है सॉइल में, एयर की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है. समझ में आया? समझ में आया किसी को कुछ डाउट? यस.
poor air in soil is directly proportional to poor absorption. Clear hai bachcha log? Yes. Okay. Now the last factor, transpiration. Sabko pata hai kya hota hai? What do you mean by transpiration? No idea. Stomata करके कुछ याद आ रहा है? आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ना लीव्स में. स्टोमेटा मतलब क्या होता है? पोर्स होता है. अब दिस इज योर लीव्स, ठीक है? यहाँ पे छोटे 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 क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है. तो आप अभी जो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपको पता होगा ना कि आप अगर आप प्लांट को पूरा 1 लीटर पानी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 1 लीटर पानी वो प्लांट यूज करने वाला. इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपिरेशन. वहां पे 99% क्या हो रहा है? वाटर का ट्रांसपिरेशन हो रहा है. सिर्फ 1% ही प्लांट जो है वाटर यूज करता है. ओके, तो 99% वाटर क्या होने वाला? इट इज गोइंग टू लॉस इन द फॉर्म ऑफ गैस. अब आपने जब वाटर प्रोवाइड किया था तो लिक्विड स्टेट में किया था, राइट? लिक्विड स्टेट में ही पानी डालते हो ना, या सॉलिड में जाके बर्फ बर्फ डाल देते हो उसमें, या गैस में प्रोवाइड करते हो? लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट में आपने वाटर डाला तो ट्रांसपिरेशन इज अल्टीमेटली नथिंग बट द लॉस ऑफ वाटर इन द गैसियस स्टेट. मतलब आपने पानी तो लिक्विड स्टेट में डाला, उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, पूरे प्लांट में वो सर्कुलेट हुआ वाटर बाद में विद द हेल्प ऑफ लीव्स, जहाँ पे आपके छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट है. दिस पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. और ये पोर्स के हेल्प से, स्टोमेटा के हेल्प से वाटर आपका एवापोरेट हो जाएगा. एवापोरेट समझते हो? चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू अ गैसियस स्टेट. यस और नो? यस. सो ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द एवापोरेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा थ्रू द लीव्स. इज इट क्लियर? यस. तब मुझे एक चीज बताओ, अभी तुमको बहुत भूख लगी, तुम बहुत काम कर रहे हो, जितना खाना दिया तुमने खा लिया और बहुत सारा काम किया, वापस से भूख लगा, वापस से खाया, वापस से बहुत सारा काम किया, वापस से भूख लगा. यस और नो? वर्क भी तो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो ना तुम. तो यहाँ पे प्लांट में अगर आप जो भी वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, करेक्ट? वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो वाटर का नीड भी ज्यादा रहेगा. डिहाइड्रेशन पता है? डिहाइड्रेशन में बोलते हैं ना वाटर पियो. व्हाई? बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है. यस और नो? बॉडी ग्लूकोज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन में आई गेस ओआरएस पीने बोलते हैं ना. हाँ, ओआरएस पीने बोलते हैं क्योंकि आपका वहां पे वाटर लॉस होता है. वाटर लॉस में क्या होता है? वाटर मतलब क्या? सॉल्ट का ही तो होता है ना. वाटर में आपके सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है ना, एनए प्लस और आपका सीएल माइनस. Yes. तो ORS में आपके क्या होते हैं? ORS में आपका Na प्लस और Cl माइनस ही होते हैं, सॉल्ट ही रहता है उसमें. ग्लूकोज चढ़ाते हैं आपको, फिर ORS पीने बोलते हैं. उसमें आपके सॉल्ट ही डिसॉल्व स्टेट में होते हैं. समझ में आया? तो वहां पे ज्यादा पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता है, या ORS जो भी आप बोलो, ठीक है? तो अल्टीमेटली आप इनटेक ऑफ वाटर ले रहे हो. यस और नो? बॉडी डिहाइड्रेट हो रही तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब वाटर लॉस बहुत ज्यादा एवापोरेट हो रहा है वाटर का कंटेंट. यस और नो? तो लॉस ज्यादा हो रहा है तो प्लांट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा. यस मैम. तो इससे क्या समझ में आया बच्चा लोग हमको, कि आपका जो ट्रांसपिरेशन रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा. Yes, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर आपका बेचारा कंटिन्यू लॉस होते जा रहा है गैस के फॉर्म में. तो प्लांट को भी रिक्वायरमेंट है वाटर का, तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन. ये फैक्टर्स सबको समझ में आए? किसी को कुछ डाउट इन फैक्टर्स को लेकर? नो. ओके, सो ये फैक्टर्स लिखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन. Capillary water, first thing, is very essential because that is the only water is available for the plant. Dusri, maximum aapka jo absorption dikhata hai, that is the temperature in 20 to 30 degree Celsius.
तीसरा आपका जो सल्यूट का कंसेंट्रेशन है उसमें जो मिनरल्स है अगर उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा हाई हो गया तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन, आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा. नेक्स्ट अगर आपका सॉइल में एयर की कंटेंट कम होगी तो इट इज ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग इनटू द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपिरेशन रेट, जितना ज्यादा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन. डन बच्चा लोग लिख के हो गया? यस मैम. ओके एवरीवन डन? यस मैम. ठीक है. तो सबको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल क्लियर है? Now the next topic is plasmolysis. Plasmolysis मतलब क्या होगा बच्चा लोग? Plasmolysis basically it is an exosmosis. Exosmosis बोला मतलब water is leaving the cell. Correct? Yes. आपका जो वॉटर कंटेंट है वो सेल से बाहर निकल रहा है. ओके दैट इज नोन एज एक्सोसमोसिस. तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइज सेल मतलब क्या होता है, ये आपका मीडियम है. ठीक है, सेल मीडियम है, इसमें हमने सेल रखा. आपका जो सेल का शेप होने वाला दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल. This cell is called as plasmolysis cell. Plasmolysis cell में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल exosmosis. तो वॉटर कहाँ निकलेगा? फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, राइट. अब ये बच्चा जब आपका सेल, अभी हमने कुछ मीडियम पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, राइट. तो प्लाज्मोलिसिस आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है. विच सोल्यूशन? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक में अभी हमने पहले स्टडी किया था, हाइपरटोनिक में हमने पहले स्टडी किया था कि हमारा क्या होता है, सेल श्रिंक होता है, राइट. तो हाइपरटोनिक है एक्सोसमोसिस, वाटर इज गोइंग टू एमर्ज आउट, राइट. तो अब जब आपका वाटर सेल से बाहर निकल गया, सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अभी सेल ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू रिजल्ट एज श्रिंकेज. यहाँ पे सेल आपका कैसा होने वाला है, श्रिंक होने वाला है. अब अभी तक जो हम फ्लैसिड का स्टडी कर रहे थे बच्चा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो सेल होता है पूरा का पूरा, इट बिकम्स फ्लैसिड. ओके, हियर वी आर सीइंग प्लाज्मोलिसिस में भी एक्सोसमोसिस हो रहा है, वॉटर कंटेंट इज एमर्जिंग आउट ऑफ द सेल. सेल के बाहर वॉटर कंटेंट निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका सेल भी थोड़ा सा श्रिंकेज दिखा रहा है, राइट. तो यहाँ पे जब श्रिंकेज दिखा रहा है तो आपका सेल वॉल क्या करेगा, जो टर्जिडिटी मेंटेन थी, अब जैसे ये सेल है इसमें जो टर्जिडिटी मेंटेन है वो इसमें मेंटेन है क्या? जो प्रेशर यहाँ पे एक टर्जिड सेल लगा पा रहा है वो एक प्लाज्मोलाइज सेल लगा पाएगा क्या? इसका सेल वॉल देखो बेचारा दबा दुबा है जगह जगह, राइट. इट इज फ्लैसिड. मतलब अब आपको पूरे तरीके से फ्लैसिड दिख रहा है क्या? नो. फ्लैसिड मतलब क्या होता है बच्चा, आपका जो ओरिजिनल सेल है ना एकदम से श्रिंकेज नहीं होता है. दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइज सेल. एकदम से चपट नहीं दिख रहा है ये. समझ में आया? तो प्लाज्मोलाइज सेल में वॉटर कंटेंट वॉज इमर्जिंग आउट, बाहर निकल रहा है. आपके जो सेल वॉल है दे आर श्रिंकेज, यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो श्रिंकेज दिखा रहा है, श्रिंक हो गया है ड्यू टू द लॉस ऑफ वॉटर. तो आपका यहाँ पे सेल कैसा हो गया अल्टीमेटली, दे आर इन विच कंडीशन, फ्लैसिड कंडीशन.
इज इट क्लियर? यस। यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया बिटवीन द सेल वॉल, आपका जो बाहर वाला है सेल वॉल, और अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म, राइट? तो यहाँ पे इट इज लाइक, अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा बाहर जो सेल वॉल पहले ऐसा था, ये श्रिंकेज होके अंदर ऐसा हो गया, तो ये मेरा अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? अंदर क्या प्रेजेंट है मेरा? प्रोटोप्लाज्म। तो अभी प्रोटोप्लाज्म और बाहर के सेल वॉल के बीच में एक गैप क्रिएट हो गई है, जिसमें ये बाहर जो भी सोल्यूशन है ना वो एंटर करेगा, समझ में आया? वो एंटर करके सेल वॉल और दिस प्रोटोप्लाज्म के बीच में जो गैप है वो बाहर का सोल्यूशन भर जाएगा इसमें अंदर, इस गैप में। गेटिंग माय पॉइंट? यस। आई गेस नहीं समझा आप लोगों को, ठीक है, इट्स ओके, वी आर डन फॉर टुडे। प्लाज्मोलिसिस इतना समझा है, दिस इज एक्सोस्मोसिस, वाटर इज लिविंग द सेल, ठीक है? हाइपरटोनिक कंडीशन में जब हम सेल प्लेस करेंगे तो इट इज गोइंग टू श्रिंक एंड फ्लैसिड, इसको नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से डिटेल में करेंगे स्टडी, ओके? ओके बच्चा लोग? यस मैम। ओके चलो, वी आर डन फॉर टुडे, चलो बाय बाय, टेक केयर।